पैसे के लेन देन को लेकर विवाद इतना बड़ा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की फावड़ा मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उसके पास से हत्या में प्रयुक्त फावड़ा भी जब्त कर लिया। ये मामला सितारगंज का है। पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने बताया कि शक्ति फॉर्म बैकुंठपुर निवासी फटिक वाला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरा भाई अखिल वाला उर्फ भोला देर रात अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तभी गांव का नंदू सरकार आया और उसके साथ गाली गलौज करने लगा। जब भोला ने इसका विरोध किया तो नंदू ने फावड़ा से उसके गले पर 3-4 बार वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की बहन की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है व उसके पास से हत्या में प्रयुक्त फावड़ा भी जब्त कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो नशा करता है और मृतक के घर के पास ही रहता है। नंदू ने पुलिस को बताया कि उससे अखिल घर के छोटे मोटे काम कराता रहता था और पैसे नहीं देता था। जब भी वह अखिल से पैसा मांगता था वह पैसा देने में आनाकानी करता था और साथ ही गाली गलौज करता था, इसी वजह से उसने अखिल की हत्या की। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। इस प्रकार जो है धराधर एक पठाल से उसको वार करना और उसके हत्या करने के तुरंत सूचनाएं तो हमारी सितारगंज की टीम को रात को मेरे को जगे रहे। संपूर्ण सितारगंज की पुलिसिंग व्यवस्था इतनी एक्टिवेट हो गया रातों रात, हमारा इमीडिएटली संपूर्ण थाना एक्टिवेट हो गया। SSI कोतवाली प्रभारी दिखाते हुए 10 घंटे के भीतर भीतर, मतलब सूचना मिलने से मतलब मुश्किल से 5-6 घंटे के अंदर ही हमने ट्रेस आउट करके उसमें ट्रैक कर लिया। लिखत पढ़त करके 10 आवर्स के भी अंदर अंदर विदिन 8 आवर्स के आसपास के हमने वो अक्यूज को पकड़ लिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।